सौर कृषि पंप योजना 2021 भारत सरकार देगी किसानों को 95% सब्सिडी पर सौर कृषि पंप का लाभ। जाने किसान कैसे करें इस योजना में आवेदन। आपको हमारे वीडियो अच्छा लगता है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें वो फेसबुक और व्हाट्सएप सभी जगह। और हमारी लेटेस्ट वीडियो जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को। मुख्यमंत्री सौर कृषि पंप योजना 2021 भारत सरकार देगी किसानों को 95% सब्सिडी पर सौर कृषि पंप का लाभ। जाने किसान कैसे करें इस योजना में आवेदन। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डीके2 न्यूज में। मुंबई महाराष्ट्र मुख्यमंत्री सौर कृषि पंप योजना का शुभारंभ राज्य सरकार द्वारा किसानों को सिंचाई सुविधा प्रदान करने के लिए किया गया है। इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा महाराष्ट्र के खेती करने वाले किसानों को खेतों की सिंचाई करने के लिए सोलर पंप उपलब्ध कराए जाएंगे और पुराने डीजल और बिजली पंपों को सोलर पंप में बदला जाएगा। इस योजना के तहत नया सोलर पंप लगाने के लिए महाराष्ट्र सरकार द्वारा सब्सिडी प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री सौर कृषि पंप योजना 2021 इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकार ने किसानों को 1,00,000 कृषि पंप प्रदान करने का निर्णय लिया है। इस योजना को अटल सौर कृषि पंप योजना के नाम से भी जाना जाता है। इस योजना के तहत अगले 3 साल में 1,00,000 पंप लगाने का लक्ष्य रखा गया है। राज्य सरकार 31 जनवरी 2022 से पहले मुख्यमंत्री सौर कृषि पंप योजना के लाभार्थियों की सूची की घोषणा करेगी और सौर पंप लगाने की प्रक्रिया फरवरी 2022 के पहले सप्ताह में शुरू की जाएगी। मुख्यमंत्री सौर कृषि पंप योजना 2021 का उद्देश्य, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज भी बहुत से किसान ऐसे हैं जो अपने खेतों में डीजल और बिजली पंपों से सिंचाई करते हैं, जिसमें उनका बहुत खर्चा आता है क्योंकि डीजल पंप बहुत महंगे होते हैं। इस समस्या को देखते हुए राज्य सरकार ने इस योजना को शुरू किया है। महाराष्ट्र मुख्यमंत्री सौर कृषि पंप योजना 2021 के अंतर्गत राज्य किसानों को अपने खेतों में सिंचाई करने के लिए सोलर पंप राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराए जाएंगे। सौर पंप योजना के तहत राज्य सरकार पंप की कीमत का 95% अनुदान प्रदान करती है। लाभार्थी द्वारा केवल 5% ही भुगतान किया जाता है। महाराष्ट्र सोलर पंप योजना 2021 के जरिए सोलर पंप प्राप्त कर किसानों की आय में वृद्धि होगी। उन्हें बाजारों से अधिक कीमत पर पंप नहीं खरीदने पड़ेंगे। इस सोलर पंप के होने से पर्यावरण प्रदूषण में भी कमी आएगी। महाराष्ट्र सोलर पंप योजना 2021 के लाभ। इस योजना का लाभ महाराष्ट्र के राज्य के किसानों को प्रदान किया जाएगा। 5 एकड़ से कम खेत वाले सभी किसानों को 3 HP और बड़े खेतों के लिए 5 HP पंप मिलेंगे। अटल सोलर कृषि पंप योजना के पहले चरण में 25,000 जल पंप वितरित किए जाएंगे। दूसरे चरण में 50,000 सोलर पंप वितरित किए जाएंगे, जबकि तीसरे चरण में सरकार द्वारा किसानों को 25,000 सोलर पंप वितरित किए जाएंगे। इस योजना के अंतर्गत राज्य के कृषि खेती करने वाले किसानों को सिंचाई के लिए सोलर पंप उपलब्ध करवाए जाएंगे। जिन किसानों के पास पहले से बिजली कनेक्शन है वो इस योजना के तहत ऊर्जा संचालित AG पंप का लाभ प्रदान नहीं किया जाएगा। भारत सोलर पंप योजना 2021 से सरकार के ऊपर जो बिजली का अतिरिक्त भार है वो भी कम होगा। मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना 2021 के लिए पात्रता, इस आवेदक महाराष्ट्र का स्थायी निवासी होना चाहिए। दूरस्थ और जनजाति क्षेत्र के किसान 5 एकड़ तक 3 HP DC और 5 एकड़ से अधिक 5 HP DC पंपिंग सिस्टम चयनित लाभार्थियों के खेत में तैनात किए जाएंगे। महाराष्ट्र सौर कृषि पंप योजना 2021 के लिए आवश्यक दस्तावेज, आवेदक का आधार कार्ड, पहचान पत्र, निवास प्रमाण पत्र, खेत के कागजात, बैंक अकाउंट की पासबुक, मोबाइल नंबर और पासपोर्ट साइज फोटो। महाराष्ट्र मुख्यमंत्री सौर कृषि पंप योजना 2021 में आवेदन कैसे करें। सर्वप्रथम आवेदक को इस योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। इस योजना की आधिकारिक वेबसाइट है mahadiscom.in। ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद इसका होम पेज खुलकर सामने आ जाएगा। इस होम पेज पर आपको बेनिफिशियरी सर्विस का ऑप्शन दिखाई देगा। इस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होगा। ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको न्यू कंज्यूमर के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। विकल्प पर क्लिक करने के बाद आपको सामने एप्लीकेशन फॉर्म खुल जाएगा। इस एप्लीकेशन फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी आपको सही सही भरनी होगी, जैसे आवेदक का नाम, पिता या पति का नाम, जिला, तहसील, गांव का चयन करना होगा। उसके बाद आपको लोकसभा या विधानसभा का चयन करना होगा। जिस स्थान पर रहते हैं उसका पिन कोड डालना होगा। उसके बाद आपको लिंग, पुरुष या महिला, अन्य में से एक को चुनना होगा। इसके बाद आपको अपने सभी दस्तावेजों को अपलोड करना होगा। सभी जानकारी भरने के बाद आपको सबमिट एप्लीकेशन के बटन पर क्लिक करना होगा। इस तरह आपका आवेदन इस योजना में पूरा हो जाएगा। मुख्यमंत्री सौर कृषि पंप योजना 2021 महाराष्ट्र को लेकर आपकी क्या राय, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें ताकि आने वाली वीडियो में हम इस योजना संबंधित आपको और विस्तार जानकारी दे सके। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छा लगता है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें फेसबुक और व्हाट्सएप सभी जगह। और हमारी लेटेस्ट वीडियो जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को जरूर दबाएं।